थाना सचेंडी के अंतर्गत गंभीरपुर में दबंगों ने होली के दिन घर में घुसकर किया था हमला। गंभीरपुर गांव के अमित कुमार द्विवेदी बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनकी कल इलाज के दौरान फॉर्च्यून अस्पताल में मौत हो गई थी। सचेंडी थाना क्षेत्र गंभीरपुर प्रकरण में परिजन शव रखकर कर रहे हंगामा। पीड़ित परिजनों का सचेंडी पुलिस से उठा भरोसा, पुलिस आयुक्त को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे परिजन। परिजनों ने सचेंडी प्रभारी निरीक्षक पर कार्यवाही में लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रभारी पर कार्यवाही की कर रहे मांग। परिजनों ने पुलिस प्रशासन को आधा घंटा का दिया समय, मौके पर नहीं पहुंचे बड़े अधिकारी तो हाईवे जाम करने की दी धमकी। मृतक की 3 बेटियां हैं, जिसमें उनको पालन पोषण के लिए आवास और आर्थिक सहायता के लिए SDM सदर कानपुर से गुहार लगाई। उन्होंने परिजन की बात सुनी और उनको आश्वासन भी दिया और देर शाम तक SDM कानपुर मौजूद रहे। कई घंटों बाद नहीं हुआ समझौता। परिजनों ने शव का नहीं किया दाह संस्कार। मौके पर ADCP लखनजी, SCP निशांक शर्मा, पनकी थाना, रावतपुर थाना, अरमापुर थाना, सचेंडी थाना पुलिस मौके पर मुस्तैद रही। आदिया न्यूज 24 से संवाददाता फरमान की रिपोर्ट। बेसिकली हम लोग जो त्वरित जो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि परिवार को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर जो भी हमारे सरकार द्वारा दी गई जो भी व्यवस्थाएँ हैं, उसमें पेंशन योजना भी है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की भी व्यवस्था है, उसके लिए पूरा आश्वासन दिया गया है। साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके परिवार को आर्थिक सहायता या अन्य तरह की सहायता भी जो प्रोवाइड करी जा सकती है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जहाँ तक पुलिस कार्रवाई की बात है, उसमें भी जांच अभी 2 दिन में ही पूर्ण कराई जाएगी और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके स्तर से इसमें उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।